मैं राहुल, आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कर एस जे द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, इसमें हमने जो चार भाग कंप्लीट कर लिए हैं और चार भाग के अंदर हमने 48 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज हमारा भाग पाँचवा और क्वेश्चन नंबर होगा 49। तो दोस्तों, पाँच भाग शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और हमारा भाग है आज का पाँचवा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ना, क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले तीन वर्ष के लिए ये लिख दिया मैंने, पहले तीन वर्ष के लिए कितना है, 6% है भाई, 6% लिख दिया, ठीक है। आय क्या कहता है, अनंतर यानी उसके बाद वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, 3 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके अगले 5 साल के लिए अगर वो लेता है 5 साल के लिए तो उसकी जो दर दे रखी है वो है 9%, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। अब एक चीज़ सुनना, इसका कहने का मतलब है अगर आप अपने पास 3 साल के लिए पैसा रखते हैं तो आपको 6% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद 5 साल तक, 3 साल के बाद अगर आप 5 साल और रखेंगे तो आपकी ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 9%। लेकिन इसके बाद बोला इसने यहाँ कितना होगा, देखना पहले 3 और इसके बाद वाले 5, टोटल कितना होगा, 8। अब कहता इन 8 साल के बाद आप चाहे 1 साल रखिए, चाहे 2 साल रखिए, चाहे 3 साल अपने पास पैसा, आपको जो देना पड़ेगा वो कितना, 13% के हिसाब से वार्षिक ब्याज देनी पड़ेगी, 13%। अब हम यहाँ देख लेंगे कि उसने अपने पास जो पैसा रखा वो कितने दिन के लिए। तो देखना तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपये थी। तो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, उसने कितनी राशि उधार ली थी। और मैंने बताया था उधार ली गई राशि, उधार दी गई राशि उसे क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो मुझे एक चीज़ बताना, टाइम कितना है, ये जो 8,160 जो ब्याज दिया है वो कितने साल का है, 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 8,160 भाई, 11 साल का तो है, 11 साल का कितना है, 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया है। तो ये क्या है, ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखना 3 और 5 कितना होगा, टोटल 8, लेकिन समय कितना है, 11। तो बताना शेष समय कितना बचेगा, इस 11 में से 3 और 5 8 माइनस कर दूंगा, यानी जो शेष समय बचेगा वो कितना होगा, 3 ईयर। यानी जो 13% है वो कितने दिन के लिए है, 13% कितने दिन के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, देखना भाई मैंने आपके लिए क्या बताया था, इस 6% का मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 6 रुपये ब्याज। अगर ये वार्षिक है तो वार्षिक निकलेगा, छमाही है तो छमाही निकलेगा, ठीक है, जो भी दे रखा वही निकलेगा। इसने बोला 6% वार्षिक, और इस 6% वार्षिक का मतलब है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 6 रुपये ब्याज। इसी तरीके से 9% का भी मतलब यही है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 9 रुपये ब्याज, और 13% का भी मतलब यही है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 13 रुपये ब्याज। तो मूलधन क्या मानूंगा मैं, तो मैं मूलधन ही क्या मान लेता हूँ, 100, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालने में। तो मुझे बताना अगर 1 साल में ब्याज 6 रुपये तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो क्या करता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, और 13 × 13 ये हो जाएगा 39। ये क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला, कितने दिन का, 3 और 5 8 और 3 11, यानी कि 11 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, इसे ऐड कर दो तीनों को भाई, 9 और 5 14 14 और 8 हो जाएगा 22, 2 बचे 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकला 102। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 11 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो ये दे रखा 8,160। तो क्या कर दूंगा, दोनों का कंपेरियन, दोनों का तुलना, क्योंकि ये मैंने माना है ना कि है, 100 रुपये मैंने मूलधन माना है, 100 रुपये मूलधन है थोड़ी नहीं है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो अलग आएगा, तो मुझे वही निकालने का मूलधन है क्या। तो अब मैं 100 रुपये के हिसाब से मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 102 रुपये। क्या करूँगा, दोनों की तुलना कर दूंगा, यानी कि 102 बराबर हो जाएगा 8160, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 8160 / 102।
अगर ये काट सकते तो काट दो, वरना ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी निकालना है इस वन की वैल्यू को क्या कर दो वहां पर मल्टीप्लाई, क्या निकालना आपको, मूलधन निकालना, मूलधन कितना 100, इस 100 में आपको क्या कर देना, इसका कर दो मल्टीप्लाई 8160/102। तो देखना कितने से कट जाएगा, ये सीधा सीधा 8 × 2 = 16, 8 × 8, ये सीधा सीधा 80 बार करने का होगा, कितना 80 times, ठीक है। इस 80 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना हो जाएगा 8000। देखो ये तरीका मैंने क्यों बताया आपको, इस तरीके से वन की वैल्यू निकलने के बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछता है आप हर किसी का आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर बोलता है बताना भाई 3 वर्ष का ब्याज कितना, तो आपकी वन की वैल्यू जो निकली है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 साल का ब्याज 18 है। अगर पूछे अगले 5 साल का कितना, तो 45 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, और बोले इसके बाद वाले 3 साल उसका कितना, तो इस 39 में इसका मल्टीप्लाई, यानी कुछ भी पूछे। यहाँ से आपको पूछे मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है, तो मूलधन निकला आपका 8000, ब्याज 8160, तो मिश्रधन निकला। तो यहाँ से आप कुछ भी पूछे उस प्रतीक का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे होगा समझ में आपका, हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो अगले वाले क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 8000, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका हो गया। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 49 था, अब देखना क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 अच्छी तरीके से समझना उसे, ठीक है। तो क्या बोला इसने, 50वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष, लिख दो भाई प्रथम 2 वर्ष, और दर कितनी है प्रथम 2 वर्ष पर, 4%, लिख दिया भाई प्रथम 2 वर्ष 4% प्रतिवर्ष तदोपरांत, यानी उसके बाद 4 वर्षों के लिए, 2 साल के बाद जो अगले वाले 4 साल हैं उसके लिए जो दर है वो कितनी है भाई, 6% प्रतिवार्षिक है, ये सारे वार्षिक हैं, एवं 6 वर्षों के बाद, देखना तो 2 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल टाइम कितना होगा, 6 वर्ष। अब कहते हैं 6 वर्ष के बाद उसकी जो ब्याज दर है वो चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष, 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष। अब मैं देखूंगा टोटल टाइम कितना है, उस टोटल टाइम में से इन दोनों को जोड़ के उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखना टोटल टाइम है, यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज, 9 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना दे रखा भाई, 1120। तो अब आपको यहाँ से पता पड़ गया समय कितना है, 9 साल है, 9 में से 2 और 4 कितना, 6 शेष कितना बचेगा, 3 साल, कितना 3 है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस 4% का क्या मतलब, 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज, यानी कि 1 साल का 4, तो 2 साल कितना, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 4 में करेंगे 24 हो जाएगा, 8 का 3 में करेंगे 24 हो जाएगा। तो बताना यहाँ से 9 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, 24 और 24 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56। ये क्या निकला भाई, 9 साल का साधारण ब्याज, ये भी तो 9 साल का साधारण ब्याज है, दोनों क्या करने कंपेरिजन, यानी 56 की वैल्यू बन जाएगी 1120, 1 की वैल्यू भाग लिया जाएगा नहीं, 56 × 2 = 112, ठीक है, यानी कि 1120 अपॉन कितना हो जाएगा, 56, इस 56 का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू निकलेगी आपकी 20। बताओ ऐसी कंडीशन, मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसी कंडीशन क्या, कभी भी क्वेश्चन के अंदर मूलधन पूछता तो मैंने बताया मूलधन को कितना मानना होता है, 100, तो 100 ही तो भाई, क्योंकि देखो मैंने बताया 4 रुपये क्या है, 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज, तो मूलधन अपने आप कितना होगा, 100 हो गए। अब मुझे मूलधन नहीं निकालना, राशि निकालनी है, तो इस 20 का गुणा कहाँ कर दूंगा, मूलधन कितना माना है, 100, इस 100 में 20 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2000, यही आपका आंसर है, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 51, तो मुझे लग रहा 51 भी आप जो आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 51 भी कर लेना, ठीक है, इसे नहीं बता रहा मैं 51, हाँ प्रथम 4 अगले 4, हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 59। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 52, ये थोड़ा सा अलग है 52, तो उसे मैं आपके लिए बताया था 52, 51 छोड़ दिया, इसी की तरह है 49 50, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, उसी तरह के हिसाब का 50 है, ठीक है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 52 क्वेश्चन कहता है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम तीन वर्ष के लिए कितना है, 12%, लिख दिया भाई। आज क्या कहता है, अगले 5 वर्ष यानी 3 साल के बाद अगले 5 वर्ष हैं उसके लिए दर कितनी है भाई, उसके लिए दर इसने बोली है 16%, लिख दिया ये भी 16%, ठीक है। और आगे कहता है
आठ वर्ष के पश्चात, यानी कि 3 ए और 5 ए, 8 साल हो गए, और 8 वर्ष के पश्चात किस समय अवधि के लिए जो दर है वो कितनी, 20%। अब मैं यहाँ से देखूँगा टोटल टाइम कितना है, और टोटल टाइम इसने दिया है यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 अधिक हो गया, 11 है समय टोटल, तो 3 और 5 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे, शेष समय कितना निकलेगा, 3 है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पर ध्यान देना, मैंने क्यों बताया ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा जो है अंतर है, डिफरेंस है। क्या अंतर है देखिए ना, अभी जो क्वेश्चन थे ऊपर वाले 49, 50 और 51, तीनों के तीनों क्वेश्चन में वहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, साधारण ब्याज दे रखा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं। आप अगर गलती से इसे ये लिख देते हैं कि 11 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 6080 है, तो आप बहुत बड़ी भाई गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका इससे आंसर नहीं आया। गलती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो भाई। उसने बोला है ये जो है 6,080 रुपये, ये मूलधन से, सॉरी हाँ, ब्याज मूलधन से 6,080 अधिक है, ब्याज मूलधन से 6,080 अधिक है, ना कि यह ब्याज है। तो मैं पहले ब्याज निकाल लेता हूँ, ब्याज निकालूँ कैसे, 12 का गुणा 3 में करूँगा 36, इस 16 का 5 में करूँगा 80, इस 20 का 3 में करूँगा 60। प्रिंसिपल क्या मान लिया मैंने, 100, ठीक है। अब तो समझ आ गया, तीनों क्वेश्चन कर लिए। तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूँ सिंपल इंटरेस्ट कितने का, 3 और 5 8 और 3 11, 11 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कैसे करेंगे, इस 36, 80 और 60 को जोड़ देंगे, 60, 80, 140, 140 और 30, 36 कितना हो जाएगा, 176, ये निकला सिंपल इंटरेस्ट। आपका मूलधन कितना, 100। ध्यान से सुनना क्या बोला इसे, ये 6,080 है, सॉरी ब्याज मूलधन से 6,080 ज़्यादा है, ब्याज मूलधन से 6,080 अधिक है। तो जो चीज़ यहाँ दे रखी है, तो यहाँ भी तो मैं वही कंपेयर ही करूँगा। तो यहाँ देख लो, ये जो ब्याज है आपकी 176 मूलधन से कितनी ज़्यादा है, बताइए भाई, ब्याज मूलधन से कितनी ज़्यादा है, मूलधन 100 और ब्याज आई आपकी 176, तो ब्याज कितनी ज़्यादा है, 76 ज़्यादा है, 76 ज़्यादा है ब्याज मूलधन से। तो ये भी तो है ब्याज मूलधन से 6,080 ज़्यादा है, इसका तुलना करेंगे, ना कि हम इस 176 की वैल्यू ये बना देंगे जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन बनाते आ रहे थे, क्योंकि ब्याज बराबर रख देते थे, क्यों, क्योंकि ये ब्याज दे रखा, तो ये ब्याज नहीं भाई साहब, ठीक है, आप समझ आ गया हो। तो यहाँ से वन की वैल्यू निकालेंगे, 6,080 अपॉन 76। अब क्या चाहिए क्वेश्चन आपको, राशि पूछे, राशि यानी कि 100 मूलधन पूछा है, तो इस 100 में क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 6,080 अपॉन 76 कट जाएगा, 8 × 48 = 56 × 4 = 60, ठीक है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना, 80 टाइम, ठीक है। तो 100 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8,000, यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, थोड़े से इसकी लैंग्वेज में बदलाव था। तो अब देखना आप इसका कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना आप अगले टाइप को, जब धन अपने का 9 गुना हो जाए, ये भी जो है सिंपल क्वेश्चन है, और मैं आपके लिए ये देखो, ये जो पढ़ा रहा हूँ भाई, ये रटने वाली चीज़ नहीं है कुछ भी, ठीक है, सब बेसिक वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से तो करा रहा हूँ, ये ट्रिक भी है, और देखो रटने के लिए तो बोल नहीं रहा कि भाई ये वाला ये रट लो, ये कर लो, है ना। तो आप देखना 53, रटना बिल्कुल भी नहीं भाई, सीखना है हमको। 53, धन से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि, दोनों तरीके बताऊंगा, इसके फॉर्मूले से बताऊंगा, उसके बाद आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होने का बिल्कुल। 8 वर्षों में तिगुने करने की घोषणा करता, तिगुना क्या हो जाता, कोई धन है वो आपका 8 साल में कितना होता, 3 गुना। जैसे मैंने बोला कोई धन मेरा यानी कि मूलधन 1 है, तो बताना 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1 का 3 गुना 3, यानी ये क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन ही तो बनेगा भाई, क्योंकि 1 से 3 गुना बन गया, कोई धनराशि तो तिगुनी बन गई, यानी वो क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। और ये 1 से 3 गुना जो हुआ, ये कितने दिन में हुआ भाई, 8 वर्ष में हुआ है आपका, कितने में, 8 वर्ष में, ठीक है। अब यहाँ से देखना, आय कहता यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना, यानी आपका मूलधन तो वही है 1, अब इसको 4 गुना करना है, ये यानी मिश्रधन कितना बनाना है आपको, 4 बनाना है। तो पूछ रहा है तो आपका, आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखना यहाँ से, अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा, परेशान ना हो, घबराए ना बिल्कुल भी। यहाँ एक चीज़ देखना, ये जो लिखा है, जैसे मिटा दूँ, क्या कर दिया, ये जो लिखा है 1 से होगा 3, तो मुझे बताना ब्याज कितना आया यहाँ पे,
ब्याज कितना आया, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन तीन मूलधन एक, तीन में से एक माइनस करेंगे यानी ब्याज आ गया दो। ये जो ब्याज आपका दो आया वो कितने समय में आया, आठ साल में ही तो आया भाई, कितने समय में, आठ वर्ष में, कितने समय में, आठ वर्ष में। तो मैं आपसे पूछूं बताना एक ब्याज कितने समय में आएगा, तो इस दो का भाग इस आठ में लगा देंगे यानी कि एक ब्याज आपका आएगा चार वर्ष में। रुपये मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दो रुपये मान लिया, एक रुपये, तीन रुपये, दो रुपये और एक रुपया, ठीक है, एक रुपया ब्याज कितने वर्ष में, चार वर्ष। अब आप यहाँ से देखना, जब आपको कोई धन चार गुना करना हो तब आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए भाई, यानी मूलधन कितना है भाई, सॉरी मूलधन एक है, मिश्रधन कितना, चार, तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो, चार में से एक गया तीन, यानी कि ब्याज तीन मिलेगी तभी तो कोई आपका धन चार होगा, ठीक है। तो देखना एक ब्याज आपके आ रही है चार वर्ष में, तो बताना तीन ब्याज कितने समय में आएगी, तीन ब्याज कितने समय में आएगी, तो क्या करेंगे इस थ्री में क्या कर दूंगा, फोर का मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। अब मुझे ब्याज तीन ही तो बनाने, इस एक ब्याज को तीन बनाना, तो क्या करूंगा, तीन का इधर गुणा कर दूंगा, तीन का इधर कर दूंगा, तीन ब्याज होगी कितने समय में, बारह वर्ष में। तो ये तो आपका है भाई क्या बेसिक है, कोई वैसा लंबा चौड़ा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, एक देसी मेथड भी कह सकते हैं, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस ऐसे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ऐसे बोल सकते हैं देसी मेथड यानी कि डीएम साहब, ठीक है। अब आप देखना, आपके लिए इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ट्रिक देखो क्या है, यहाँ से देखना, ध्यान से समझना इसको, चलो इधर ही बता देता हूँ। जैसे आठ वर्ष में कितना हुआ, ये आठ वर्ष में कितना हुआ, तीन गुना हुआ, तो आठ वर्ष यानी ऊपर लिख दो जो भी समय आप, आठ वर्ष ऊपर लिख दे, उसके बाद कितना हुआ, तीन गुना हुआ, इस तीन गुने में से एक कम कर दो, तीन गुने में से एक कम कर दो और एक कम करने के बाद उस समय में लगा दो भाग, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इंटू ऊपर, क्या करना है भाई, देखना क्या करना है, क्या बोला इसने, एक से कितना हो रहा है, सॉरी कितना हो रहा है, चार गुना। अब मुझे जितना बनाना है, कितना, चार गुना बनाना है, तो चार गुने में से भी एक कम कर दो, तो चार में से एक गया तीन, ठीक। अब इसे सॉल्व कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा समय दो चौके आठ यानी कि चार दिया बारह वर्ष। ये आपकी भाई ट्रिक है। अब देखो यहाँ आपको रटना पड़ेगा, अगर आप रटना नहीं चाहते तो ये है, तो देखो आपके लिए ये तरीका जरूरी है आना भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप बैठे होंगे तो देखो भाई यही याद आएगा, और ये याद रहेगा, ये नहीं कर याद नहीं रहेगा, लेकिन जब याद रहेगा, जब इस तरीके से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपके लिए ये भी याद रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद साइड में इस मेथड को भी लिख लेना है, ठीक है। तो अब मैं सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा इसी से कराऊंगा, ना कि इससे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए तरीका बता दिया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 54, तो देखो हाँ इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, तो 54 जो क्वेश्चन है आपका ये अलग है, ठीक है, 54 क्वेश्चन अलग है और 53 अलग है, क्योंकि 53 में आपका टाइम पूछा था और 54 में क्या पूछा है, दर पूछे, पर कोई दिक्कत नहीं। देखना कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो इसका भी ट्रिक बताऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखना कितने वर्षों में दुगनी, यानी अगर मैंने मूलधन मान लिया प्रिंसिपल एक, तो बताना अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, दुगना यानी कि एक से कितना हो जाएगा, दो। अब यहाँ देखना, यहाँ से जो ब्याज निकल के आया, ब्याज ब्याज कितना आएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट मिश्रधन माइनस मूलधन यानी दो में से एक जाएगा एक, ब्याज आया एक। दर कितनी दे रखी है, 12%, दर दे रखी है 12%, है ना, ठीक है, सही है, हाँ क्वेश्चन, हाँ ऊपर वाले से अलग है, लेकिन इसमें दर दे रखी है, ऊपर वाले में दर नहीं दे रखी थी, इसमें भी समय पूछा, ऊपर वाले में भी समय पूछा था, तो दर बराबर कितनी होगी, 12%। अब मुझे बताओ समय निकालना, और क्या करूँगा, सीधा सीधा फॉर्मूला रख दो, कैसे भाई, ब्याज कितने आए एक, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना एक, इंटू दर कितनी 12 और इंटू समय अपॉन 100, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं टी बराबर, तो कैसे करेंगे देखना, इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है, और इस पूरे को क्या लिखेंगे 12t, है ना, 12t, इसे सॉल्व कर लिया पहले मैंने, 12t, ये 100 गुणा कर दिया एक में, यहां से टी बराबर आप निकालेंगे तो टी बराबर कितना आएगा, 100/12, सॉल्व कर दो भाई, कट जाएगा ये 4 से 25 बार और 4 से 3 यानी कि 25/3 वर्ष, लेकिन आपका ऑप्शन इस तरीके से नहीं, इसे भी सॉल्व कर दो, इसे क्या ले सकते हैं, 3/8 24, 8 सही 1/3 वर्ष, और देखना ये भी आपका ऑप्शन में नहीं, तो ये 8 वर्ष पूरा पूरा है, इस 1/3 वर्ष को महीने में बदल लो, और महीने में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, एक वर्ष कितने महीने, तो 12, तो यहाँ 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कितना 4 यानी कि 4 महीने,
ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ इस एक बट्टे तीन का मतलब आया 4 महीने, यानी कि 8 वर्ष और 4 महीने, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि कौन सा 8 वर्ष 4 महीने, यानी कि बी ऑप्शन। तो देखना अगर आप इसको भी ट्रिक से करना चाहते हैं तो यहाँ भी देखना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये तो आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट, और मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी ज़्यादा बड़ा हो, बहुत छोटा है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना आपको क्या करना है, चाहे समय पूछे या पूछे आपसे क्या दर पूछे, दोनों ही कंडीशन में देखना किस तरीके से आपको 100 आपको हमेशा नीचे रखना है, आपको 100 हमेशा ऊपर रखना, सॉरी आपको 100 हमेशा ऊपर रखना है। उसके बाद कितनी दर दे रखी है, कितनी दर है भाई 12 दे रखी है, 12 से लगा दो भाग। उसके बाद आप देखना कितना करवा रहा है, दुगना करवा रहा है, कितना करवा रहा है, दुगना करवा रहा है। तो जितना भी करवा रहा है, दुगना करवा रहा है, तिगुना करवाया, चार गुना करवाया, उसमें से एक माइनस करे ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, दुगना करवा रहा था एक माइनस कर दो, यानी कि एक, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, बताओ ये भी तो चीज़ पिछली वाली है, 100/12 ही तो थी, तो क्या कर दूंगा ये, अब तो सॉल्व करने जरूरत है नहीं, 8 सही 1/3 वर्ष, यानी कि कितना है 8 वर्ष 4 महीने। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा भाई, ये रटना पड़ेगा 8 वर्ष 4 महीने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से आप देखना इसी वाले ट्रिक से बताऊंगा, या फिर बेसिक से आप करना चाहें तो मैंने 54 बताया उसकी तरह कर सकते हैं, जो 55 क्वेश्चन है। अब आपको उसको देखना 55 इसी तरीके से करूंगा, देखना मैंने बताया था दर में भी काम करेगा और समय में भी, दोनों में। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिवर्ष प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, तो क्या करूंगा सौ लिखूंगा मैं ऊपर, सौ लिखूंगा ऊपर। उसके बाद समय कितना है 15 15 से लगा दूंगा भाग। अब नीचे ऊपर किससे गुणा कर दूंगा, कितना गुना हो रहा है दोगुना, दोगुना हो रहा है तो उस गुने में से क्या कर दो एक माइनस, तीन गुना होगा तो एक कम चार, कितना भी गुना हो उसमें से एक माइनस करना है, तो दोगुने से एक कम करना है, दो से एक कम करना कितना होगा एक, एक का कर देंगे ऊपर गुणा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 20 और 5 से हो जाएगा 3, यानी कि 20/3, और इसे लिख सकते हो 3 6 18, 6 सही 2/3%, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखना क्वेश्चन नंबर 56, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है, आप ये आप कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो 53 बताया था उसी तरीके से, कौन सा 56। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि दे देता है, तो ब्याज की दर, तो क्या निकालनी मुझे ब्याज की दर निकालनी आर बराबर, तो क्या करूंगा भाई 100 लिखूंगा ऊपर, किससे भाग लगाना है 5 से भाग लगाना है, 100 लिखूंगा ऊपर, टाइम कितना 5 5 से भाग लगा दिया, उसका कितना हो रहा दोगुना हो रहा, तो दुगुने से कितना कम, सॉरी कितना कम करते एक कम करते, कितना भी गुना हो गुने में से एक माइनस करते, एक माइनस एक कम करते उसका ऊपर मल्टीप्लाई, बत कर दो सॉल्व से, 5 का भाग 100 में देंगे कितना हो जाएगा 20%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हाँ कौन सा डी ऑप्शन, इसी तरीके से देखना आप क्वेश्चन नंबर 57। देखो परिसर मत होना का क्या बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बेसिक तरीका जो मैंने बताया है 53 और 54 दोनों ही मैंने बेसिक से बताया, उसके बाद ट्रिक भी बताई है, तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है। अब देखना 57, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी, समय कितना है ऊपर कितना लिखूंगा 100 लिखूंगा हमेशा, चाहे समय पूछे इधर पूछे, और समय देखकर 8 8 से लगा दूंगा भाग। उसके बाद क्या है भाई दुगुना हो रहा है, यानी कि दुगुने से एक कम कर दूंगा, यानी एक, सॉल्व कर दो इसे, 4 से हो जाएगा 25 और 4 से हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 12 सही 1/2%, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखना क्वेश्चन नंबर 58, कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि 25 वर्ष में क्या हो रही है तिगुनी हो रही है, पर आप इससे बिल्कुल ही परेशान हो, इसी तरीके से करूँगा इसे भी, देखना तिगुनी हो जाएगी, उसके लिए किस उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, दर निकालनी है, क्या करता हूँ 100 हमेशा ऊपर लिखता हूँ, समय कितना है 25 25 से भाग लगा दूँ, अब कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, जितना भी गुना होता है उसमें से एक माइनस कर दो, यहाँ भी कर दो 3 गुना है, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 से ऊपर गुना कर दो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%, यही आपका आंसर है, बताओ कुछ है कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से आप देखना क्वेश्चन नंबर 59, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन रहेगा 59। देखना कितने वर्षों में कोई धनराशि 25%, क्या पूछ समय पूछा, कोई दिक्कत नहीं समय बराबर निकाल देंगे भाई, ऊपर तो 100 लिखेंगे ऊपर 100 लिखेंगे उसके बाद
दर कितनी 25, 25 से भाग लगा दें, इनटू कितना गुना है, तीन गुना है, तीन गुने में से एक कम कर दो यानी तीन में से एक ज्यादा दो, 25 चौके 100, चार दूनी 8% सेम है क्या दोनों क्वेश्चन, दोनों करा देगा एक ही था क्या, अच्छा 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 अलग अलग है पर कोई दिक्कत, दोनों का आंसर सेम आ रहा है इसका 8% पूछा दर थी, यहाँ क्या समय है, कोई बात नहीं, कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 60 अगला टाइप, इसमें भी चार क्वेश्चन ऐसे ही फटाफट से कर देते हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 में कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की किस दर से वह अपने की तीन गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन किसकी तरह भाई, अगर आपको याद आ रहा हो अभी तो हमने पढ़ाई है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था आपका 53, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखना क्या करता हूँ, 10 वर्ष में कितने गुने होती है, दोगुनी, उस दोगुने से, सॉरी 100 कहाँ से लिख दिया, 10 वर्ष, ठीक है, लिखो मत लो कोई दिक्कत, वर्ष 10 लिख दो, कितने 10 वर्ष में कितने दुगुनी, उस दुगुने में से एक कम कर देंगे, कितना बचा एक, उसका लगाते हैं भाग, उसके बाद कितना गुना करना है हमें, तीन गुना करना है और तीन गुने में से भी एक कम करो यानी कि दो, उससे करते हैं गुणा, यानी कितना आंसर आया होगा 20 वर्ष। अगर इसका भी दिली इच्छा आप ये कर रहे हो कि मुझे तो बेसिक से करना, तो 53 क्वेश्चन देख लीजिए, बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20 वर्ष। यानी यहाँ से मैं एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि अगर आपका सिर्फ दुगने की बात करें, सिर्फ दुगने की, तो मैं सीधा सीधा जो समय है उसका मल्टीप्लाई किस में कर दूं, जितने गुना करवा रहा है उसमें से एक माइनस करके, क्योंकि दुगना तो एक से भाग देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर भी दुगने वाले में दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है, वरना आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 61, 7 वर्ष में दुगना होता है, 7 वर्ष में दुगना, दुगने से एक कम एक, इंटू कितना करवाना है, ब्याज की दर से कितने वर्षों, पाँच गुना करवाना, तो उसमें से एक माइनस करेंगे यानी 4 गुणा कर दो, 7 चौके 28 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 62, ये भी क्या है, 7 वर्ष में कितना होता है, दोगुना होता है, 7/1, इंटू कितना करना है, ये करना है 4 गुना, तो 4 में से एक कम करें कितना, 3, यानी कि 7 या 21 वर्ष, ठीक है। और 63वां है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने साल में, 20 साल में दोगुनी होती है, दोगुने से एक कम यानी एक कर दिया, माइनस करेंगे दो में से एक माइनस करेंगे एक ही बचेगा, उसका कितना गुना करवा रहा है, 4 गुना करवा रहा है, तो 4 में से एक कम कर दें 3, सॉल्व कर दें 20 का 3 करेंगे 60 वर्ष, ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए, मैंने आपके लिए ट्रिक भी बताई और आपके लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया। इसके बाद अगर आप जो है एक फार्मूला और होता है, T1/T2 बराबर होता है गुना -1/-1, इसे याद रखना चाहो तो इसे भी रख सकते हो, मैंने इसी चीज़ को शॉर्ट करके ये बताया, ये मैंने अलग से नहीं लाया भाई कहीं से आसमान से, इसी चीज़ को शॉर्ट करके मैंने इस तरीके से आपको बताया, अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इससे अगर फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपका आंसर आया, कैसे, T1 कितना था आपका 20 वर्ष था, लिख दिया 20, इधर लिख दूँ, चलो इधर लिख दिया, T1 कितना था 20, अपन T2 आपको निकालना है, कितना गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, तो 2 - 1/2, अब कितना करना, 3 गुना, एक लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, 63वां, 3 गुना करना है और 3 में से एक कम करेंगे 2, इसे सॉल्व कर दो, T2 बराबर आपका यहाँ से भी निकलेगा कितना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना है सॉरी, 4 - 1, तो यहाँ से भी आपका जो आंसर निकलेगा 60 वर्ष निकलेगा। अब आपकी इच्छा है मैं सारे तरीके बता दें, अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है 63 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और हाँ एक बात और, आप इस वीडियो को जो भी आप पढ़ते हैं आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाया करो, शेयर किया करो और अपने सभी दोस्तों से बोलिए भाई इस यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाया था और आप यहां से पढ़ सकते हैं, तो चैनल के भाई सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।